वालेकुम टू एवरी वन। तो इस रूम में हम बात करेंगे पी एम ट्रिपल एस के चॉइस फिलिंग के रिलेटेड, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। कल एक अच्छी खबर आपके लिए आई थी कि जो पी एम ट्रिपल एस का पोर्टल है वो अपडेट हो गया था, जिसमें नए कॉल्स ऐड किए गए हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से समझा दूंगा कि असल में जो पोर्टल है वो किस तरीके से अपडेट होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा फर्दर, टोटल सीट्स किस तरीके से हैं, सीट मैट्रिक्स में नर्सिंग के लिए कितनी है, इंजीनियरिंग के लिए कितनी है, फार्मेसी के लिए कितनी है, और कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, और अभी आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे से व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप सब लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई BDS के लिए एडमिशन करना चाहता है पी एम ट्रिपल एस के थ्रू, तो वो हमारे थ्रू कर सकता है। नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहेगी कि नीट में आपका स्कोर 140 प्लस होना चाहिए और आपने पी एम ट्रिपल एस का फॉर्म फिलअप किया होना चाहिए। अगर आप ये दो चीज़ें फुलफिल करते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके एडमिशन कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कास्ट पी एम ट्रिपल एस के थ्रू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से मैं आपको चॉइस फिलिंग पोर्टल दिखा देता हूँ। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा, मैंने पहले ही बोला था आपको कि चॉइस फिलिंग जो है इसका जो पोर्टल है वो अपडेट हो जाएगा, जिसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए थे जिन पर आपको यकीन नहीं था, आपको लगा था शायद झूठ बोल रहा है। क्योंकि मुझे इस तरीके से क्यों लगा था, क्योंकि जब मैं सीट्स कैलकुलेट कर रहा था अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स, वो फुलफिल नहीं हो रही थी कॉल्स में लगभग 20 बच्चे आ रहे थे, वो पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि एक बैच में कम से कम 5 या 6, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम मानेंगे 10 बच्चे जा सकते थे पी एम ट्रिपल एस के थ्रू, लेकिन एक ही बैच में 20 स्टूडेंट्स कैसे जाते। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हो डायरेक्टली जो नर्सिंग है, नर्सिंग में उन्होंने कर दिए हैं 153, मतलब कि आपको ऑलरेडी पता है नर्सिंग में लगभग 1000 प्लस सीट्स है, 1050 सीट्स है, तो सेम वही रहेगा इस साल भी। और एक बात, आप सब लोगों का जो डाउट था कि इंजीनियरिंग में 2300 कॉल्स आते थे, 2100 कॉल्स आते थे, आप सब लोग मुझे बोलते थे आप लोग गलत इसको कैलकुलेट कर रहे हो 23। अगर 2300 कॉल्स, अगर एक कॉलेज में एक ही एक सीट रखेंगे इंजीनियरिंग की, तो कितनी सीट्स हुई 2300, टोटल कितनी है 2800। आप दिमाग यूज़ कर ही नहीं रहे थे, तो फिर 800 ही सीट्स फार्मेसी, HMCT और इसके लिए थी। तो इसलिए इंसान को हमेशा ना मतलब अच्छे से पहले जो है ना रिसर्च करनी चाहिए कि किस में क्या होता है। 2800 सीट्स थी आपकी, और उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूट करके थी वो थी लगभग 700-800 सीट्स फार्मेसी के लिए और 1000 सीट्स थी नर्सिंग के लिए, बाकी जो बचा थी वो HMCT और जो आपका BA, LLB और यहाँ अगर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की, तो इसमें जाती थी। तो इस तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लेकिन जो नर्सिंग थी उसमें सीट्स फिलफिल होती ही नहीं थी, मैं पहले ही बोल चुका था ये, और जो फार्मेसी उसमें भी यही हुआ था, लेकिन अब ऐड कर दिए गए हैं, अब आराम से हो जाएगा। 153 कॉल्स बहुत हैं, तो ओबियसली सारी सीट्स फिल हो जाएंगी। अब कट ऑफ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, आपके लिए ये अपडेट है कि जो पी एम ट्रिपल एस का पोर्टल है वो अपडेट हो चुका है। इसमें लिखा गया है कि जो आप चॉइस फिलेंगे वो आप दोबारा कीजिए, और एक बात, जो आपकी पहली चॉइस थी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी, आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आधे कैंडिडेट्स की हो गई, आप आधों ने खुद भी की होंगी, लेकिन आपको दोबारा से आप चॉइस फिलिंग करनी है नए से। और जहाँ तक मुझे लगता है शायद डेट्स फिर से एक्सटेंड ना कर दे, उन्होंने कल भी बोला था फिर से फर्दर एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना पहले गलत की थी चॉइस फिलिंग, आप उसको ठीक करना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो ओबियसली अब जो नर्सिंग का, फार्मेसी का है, जो पहले वाला कट ऑफ था वो आप बहुत कम चला जाएगा, क्योंकि अभी के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो कॉल्स है वो ऐड हो चुके हैं। तो जो कैंडिडेट्स प्रेफर नहीं करते दूर जाना, उनके लिए थोड़े नज़दीक वाले कॉल्स भी आ गए हैं, पहले कुछ थे, अब कुछ 3-4-5 कॉल्स और ऐड कर दिए गए, जिससे थोड़ा बहुत कट ऑफ फ़र्क पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग क्या करोगे, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि आपके कितने मार्क्स है, जिस हिसाब से आपके मार्क्स है उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करना। जिसके ज़्यादा मार्क्स है तो वो पहले वाले कॉल्स रखे, जिसके ज़्यादा मार्क्स नहीं है वो पहले वाले कॉल्स ज़्यादा ना रखे, वो दूर के ही कॉल्स रखे। 100 कॉल्स ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो ओबियसली 150 कॉल्स अगर आपको नर्सिंग ही करना है तो नर्सिंग में आप वो कॉल्स देखना जो आपको लगे सही है। फिर अगर फार्मेसी में तो आप 65 कर दिए गए हैं, फार्मेसी वाले तो सब रख सकते हैं जिनको फार्मेसी इंटरेस्ट होगा। इंजीनियरिंग, और मैं आपको बता दूं जनरल कोर्स के लिए बहुत सारे फजूल कॉल्स रखे थे, चलो जनरल का तो फिर भी चल जाता, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए तो फजूल ही कॉल्स थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स खुश होते थे कि हमें इंजीनियरिंग में 2300-2000 कॉल्स है, लेकिन सोच नहीं रहे हो आप, चाहे 2000 हो चाहे 3000 हो, सीट्स फिल होने वाली है सिर्फ 1000, ज़्यादा 1000 या 1200 सीट्स हो जाएंगी आपकी फिल, उससे ज़्यादा नहीं हो जाएंगी, चाहे आप कॉल्स कितने भी रख लो। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है कि आप ये करो वो करो उससे कुछ होगा, नहीं, जो कट ऑफ में आप फ्रेम करोगे आपके उसी के हिसाब से कॉलेज मिलेगा। और एक बात, दूसरी बात ये कि आप सिर्फ 100 कॉल्स ही सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे कितने भी कॉल्स वहाँ से क्यों ना दिए गए हो। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ, आपके लिए ये अपडेट भी है
कि जो पी एम ट्रिपल एस का पोर्टल है वो अभी और भी अपडेट हो सकता है, तो इसमें और भी कॉल्स ऐड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल अपडेट है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि चॉइस फिलिंग आप अभी नहीं करना। अब अगर आज डेट 11 है तो 16 लास्ट डेट है, 15 या 14 को आप चॉइस फिलिंग करना क्योंकि सेफ्टी के लिए। बाकी अगर फर्दर अपडेट हुआ उसके लिए मैं नोटिफाई कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों तक। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।